दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, जेटेट एग्जाम के पास मार्क्स में बदलाव। जेटेट में अनुसूचित जाति जनजाति व दिव्यांग छात्रों के पास मार्क्स में बदलाव होगा। इन वर्गों के छात्रों के लिए एग्जाम पास करने का न्यूनतम अंक 50% होगा। वर्ष 2019 की तुलना में पास मार्क्स को कम किया जा रहा है। नियमावली में बदलाव के लिए विभागीय स्तर पर भी सहमति मिल चुकी है। बता दें कि वर्ष 2019 की नियमावली में प्रत्येक खंड में 40% अंक लाना अनिवार्य था। इसके अलावा कुल प्राप्तांक का पास मार्क्स 60% निर्धारित किया गया था। दोस्तों बड़ी खबर है, 27 दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपातों में काम करने वाले पर्यटन कर्मियों को 9 महीने से लंबित मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। हुंडरू फॉल, जुन्हा फॉल, सीता फॉल, दशम फॉल, पंचघाग व हिरणी फॉल 27 दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। गुरुवार को इस मामले को लेकर उक्त सभी जल प्रपातों के पर्यटन कर्मी की बैठक हुई। बैठक में कहा गया है कि लंबित मानदेय भुगतान को लेकर पर्यटन सचिव, पर्यटन निदेशक झारखंड सरकार व JTDC रांची के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इससे पर्यटन कर्मियों के सामने भूखमरी की परिस्थिति पैदा हो गई है। अगर मानदेय का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो 27 दिसंबर से सभी पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। JPSC मामले को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने राज्यपाल से की मुलाकात। 7वीं से 10वीं JPSC PT एग्जाम रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन के 40वें दिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन समेत 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस से मुलाकात की। आंदोलनकारियों ने कहा कि महामहिम महोदय को 7वीं से 10वीं JPSC PT परीक्षा फल में हुई गड़बड़ी से संबंधित सभी सबूत को बिंदुवार विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके बाद राज्यपाल के द्वारा छात्रों के साथ न्याय करने का आश्वासन दिया गया है। बैठक के दौरान महामहिम ने सभी बातों को समझते हुए कहा कि JPSC में भ्रष्टाचार का मामला गंभीर है, छात्रों को न्याय मिले इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में विधायकों के लिए होगा 70 आवासों का निर्माण। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GRDA के निदेशक परिषद की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया का एक 72 मास्टर प्लान बनाया जाए। साथ ही मास्टर प्लान के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण आदि की योजना तैयार की जाए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक सामने आए 25 मामले। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तक 25 मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि विदेश यात्रा पर भारत पहुंचने वाले यात्रियों की निगरानी, स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा राज्यों ने भी सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। साथ ही बताया गया है कि देश में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी दर 0.73% रही है। इस तरह कोरोना की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरियंट के 25 मामले सामने आए हैं। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड में 1,06,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट किया कि 680 शिक्षकों को इतिहास, नागरिक शास्त्र के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया। उसके बाद 26,000 नियुक्ति देने जा रही है। उसके बाद 70,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों को बहाल किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1,06,000 की नियुक्ति झारखंड में होगी। इसका ऐलान शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कर दिया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुलाकात किया था। इस दौरान शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों की मांगों तथा समस्याओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए यथोचित कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में प्राइवेट वाहनों में नेम प्लेट लगाने पर होगी कार्रवाई। झारखंड में निजी वाहनों पर नेम प्लेट या किसी प्रकार का बोर्ड लगाने पर कार्रवाई हो सकती है। झारखंड परिवहन विभाग ने वाहनों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस प्रशासन जैसे नेम प्लेट लगाना प्रतिबंधित कर दिया है। वाहन के शीशे के अंदर भी बोर्ड, पट या अन्य किसी पद का उल्लेख नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के कई लोगों को नेम प्लेट व बोर्ड लगाने की छूट दी है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर ढका नहीं होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र को नहीं है विकास की कोई चिंता। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के विकास की कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि उसका इरादा केवल झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हजारों लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के भीषण काल में झारखंड के कोयला खदानों को नीलाम किया गया, जबकि राज्य सरकार विनती करती रही कि स्थिति सामान्य होने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो, ताकि उसमें अधिसंख्य ठेकेदार, एजेंसियां और कंपनियां भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र और राज्य के हितों के संवर्धन में मदद मिलती। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा के दोहन में जुटी कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि यदि वे झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से 75% को अपने यहाँ रोजगार देगी, तभी खनन की अनुमति सरकार देगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 9 मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। साथ ही झारखंड में वर्तमान में 130 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में रांची से 2, कोडरमा से 2, गुमला से 1, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर से 3 और धनबाद से 1 मरीज हैं। झारखंड में कुल कोरोना वायरस का मामला बढ़कर 349,392 हो गए हैं। झारखंड में अब तक 344,121 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक 5,141 मरीजों की मौत झारखंड में कोरोना से हो चुकी है। बता दें कि झारखंड में कोरोना का रिकवरी दर 98.49% है, जबकि मृत्यु दर 1.47% है। बता दें कि झारखंड में अब तक कुल 1,72,85,599 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में 12 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 12 दिसंबर के बाद से ठंड में वृद्धि होगी। अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बदलाव का असर झारखंड में भी दिखाई पड़ेगा। बताया गया है कि फिलहाल जो हवाएं चल रही हैं उसमें पूर्वा हवा का भी अंश है। इसी के प्रभाव से अभी आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं और तापमान में कमी नहीं हुई है। बताया गया है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में उत्तर दिशा से हवा का बहाव शुरू हो जाएगा। इससे ठंड में दिन में ठंड और रात में ठिठुरन बढ़ेगी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 8,503 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,503 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या 3,46,74,744 हो गई है। साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,943 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 624 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,74,735 हो गई। देश में लगातार 43 दिन से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 15,000 से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या
बढ़कर 94,943 हो गई, जो कि कुल मामलों का 0.27% है। बता दें कि यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.36% है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ला सकती है मॉब लिंचिंग बिल। झारखंड में मॉब लिंचिंग की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार अब इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। सरकार बकायदा इसको लेकर प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब इसे राज्य के महाधिवक्ता के पास कुछ संशोधन और विस्तार के लिए भेजा गया है। चर्चा है कि राज्य सरकार इसे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में ला सकती है। ओमिक्रॉन के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट पर 31 जनवरी तक रोक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जारी खतरे को देखते हुए देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर लगी रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन 31 जनवरी 2022 तक रोक लगी रहेगी। इससे पहले 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया था। हालांकि ओमिक्रॉन के देश में दस्तक देते ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है और इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगी रोक को जनवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल मार्च में ही इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने कहा कि रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट जल्द शुरू हो सकती है। उम्मीद है कि ये इस साल के आखिरी में फिर से शुरू की जाएं। हालांकि अब फ्लाइट पर अगले साल जनवरी तक फिर से रोक लगा दी गई है।